सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो बच्चों अब हम आगे बात करते हैं कि आदिवासी एंड डेवलपमेंट, मतलब जो आदिवासी थे क्या उनका डेवलपमेंट हुआ? तो बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो हम रीजन पढ़ते हैं इसके कि जैसे आदिवासी अपना जंगल में रहते थे, लेकिन जब जंगल में से मान लीजिए कोई रास्ता, मान लीजिए एक कंट्री है या मान लीजिए स्टेट ही है, तो इस स्टेट से जिसको इस स्टेट जाना था तो रास्ता बनाने के लिए इन्होंने जंगल काटना शुरू किया। जब जंगल काटना शुरू किया तो हम लोग जानते हैं कि आदिवासी तो जंगल में रहते थे, तो इनको कहा गया भैया आप यहाँ से हट जाइए, तो यह यहाँ से हट गए, तो उसी प्रकार से इन्हें हटा दिया गया। या तो ऐसा होता था कि मान लीजिए कोई आदिवासी यहाँ पर रह रहा और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ है, तो पेड़ को सरकार काटने के लिए क्या करती थी, भैया ये जाइए यहाँ से पेड़ काट के लाइए और हमें प्रोवाइड करिए। या तो कुछ ऐसा भी हो सकता था कि वहाँ पर गोल्ड पाया जाए, कापर पाया जाए, सिल्वर पाया जाए, तो वहाँ पर भी इनको हटाने के लिए क्या किया गया, इन्हें दबाव डाला गया। तो कुल मिला जाएगा आदिवासी को क्या कहा जाता था, बहका दिया जाता था। कैसे कहते थे कि भैया देखिए अगर आप इतना हमें यहाँ खाली कर देंगे तो हम लोग यहाँ से अपना खनिज निकाल लेंगे, बल्कि आप लोग यहाँ जो ज़मीन खाली करें आपको शहर में बिल्डिंग दी जाएगी और आपको नौकरी भी प्रोवाइड की जाएगी और अलग अलग चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं था, हम लोग तो जानते हैं सिस्टम फेल ही हो जाता है, तो इन लोगों को या तो कभी जोर जबरदस्ती से भगा दिया जाता था। तो कुल मिला जुलाकर यहाँ पर जो सरकार की भी गलती थी, कुछ गलती कॉन्ट्रैक्टर की थी, मतलब जो सरकार जिसको कहती थी भैया आप लोग जाइए, तो लोग जोर जबरदस्ती करके भगा देते थे और जो पैसा वैसा रुपया उनको मिलता था वो लोग अपने ही रख लेते थे। तो कुल मिला जुलाकर आदिवासियों को जैसा कि आप हम लोग फिगर में देख रहे कि भैया इन लोग जोरदस्ती भगाया जा रहा है। और यही नहीं है, इनको तो बिना पैसे के काम करवा लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए लकड़ी तो कट गई, तो लकड़ी को भैया एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए या ट्रक में लादने के लिए भी क्या करते थे, हाँ इनसे बिना कहते आप लोग ट्रक में ले जाकर रखिए, जोरदस्ती कराते, पैसा भी नहीं देते थे। तो कुल मिला जुलाकर इनका शोषण होता था। और उसी प्रकार ये जो आप लोग देख रहे हैं यह एक नियमगिरी हिल का है, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आयरन पाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर भी इन लोगों को पूरा जंगल से जंगल साफ कर दिया गया, तो जंगल साफ हो गया तो इन लोगों को वहाँ से मार पीट कर भगा दिया गया और इन्हें कोई फैसिलिटी भी नहीं प्रोवाइड की गई। तो यही मेन सब रीज़न था उनके क्या करने का, उनके माइग्रेशन होने का। तो ठीक बच्चे, समझ में माइग्रेशन कैसे आदिवासियों का हुआ, तो उनके डेवलपमेंट के नाम पर कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो आगे हम बात करते हैं माइनॉरिटी एंड मार्गिनाइजेशन। तो मतलब जो माइनॉरिटी मतलब कि जो मतलब कोई एक मात्र इतना बड़ी फील्ड है या इतना बड़ा सोसाइटी, यहाँ मतलब एक कम्युनिटी के लोग रहते हैं जो बहुत कम है और कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हैं। तो हम लोग जानते भैया जो ज़्यादा रहता है वह छोटे लोगों को क्या करेगा कि दबाव बनाएगा, तो ऐसा दबाव बनाते थे। तो यही सब रीजन था भैया, तो माइनॉरिटी में थे हमारे आदिवासी तो इनको दबाव बना के भगा दिया जाता था। लेकिन अब हम जानते हैं भैया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है कि भैया चाहे एक व्यक्ति हो चाहे 100 व्यक्ति हो, सबको इक्वल अधिकार है रहने का उस जगह पे, ठीक है। तो कुल मिला जुलाकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि चाहे कोई किसी कल्चर का उसे रहने का अधिकार, चाहे माइनॉरिटी में भी है तो उसको क्या करते हैं, उसको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं या उसको बेसिकली सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं मुस्लिम एंड मार्गिनाइजेशन। तो हम बात करते हैं कि मुस्लिमों का भी क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। कैसे हुआ कि हम लोग जानते भैया मुस्लिम की परसेंटेज 2011 में की गई वहाँ पर जनगणना, तो कितने परसेंट थी, 14.2% थी, ठीक है। लेकिन इन लोगों को जैसे कि और लोग तो कम्युनिटी वाले ज़्यादा ही थे, तो इन पर दबाव बना दिया भैया आप लोग यहाँ से चले जाइए, एक जगह से दूसरे जगह चले जाइए। तो कुल मिला जुला इनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो लेकिन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया भैया कि चाहे वुमेन हो चाहे क्या हो चाहे मैन हो, उसे भैया उनके कास्ट उनके कल्चर की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट न किया जाए, और कई तरीके के रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया। ये रिजर्वेशन क्या होता है हम अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो समझ गए बच्चों, देखिए बस आपका चैप्टर खत्म होता है। देखिए मैं बस फिर समराइज करता हूँ, इस चैप्टर में समझा कि भैया बेसिकली माइग्रेशन आपका क्या होता है, कैसे पीपल लोग इससे अफेक्टेड होते हैं, कैसे इसमें तो पहली बात सरकार की गवर्नमेंट की भी आपकी गलती रहती है, और किसकी गलती रहती है, हाँ दूसरी पीपल की भी गलती रहती है भैया, वो लोग बिना किसी ज़्यादा भेदभाव के वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लड़ना चाहिए ना उन्हें, लेकिन भैया लड़ेंगे कैसे, लोग तो छोटे रहते हैं, उनको पैसा भी नहीं रहता है कि कोर्ट में जाके लड़ें। तो कुल मिला के चैप्टर में पढ़ा भैया कि माइग्रेशन क्या होता है और दूसरा क्या पढ़ा माइनॉरिटी क्या होती है और कैसे अफेक्ट होती है। समझ में आया ना आप लोगों को? तो अगर बच्चों आप लोग समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।